अभी हमारे सामने वाली पड़ोसी दोबारा से अच्छे वाले चावल दे गई हैं। वो कह रही हैं इससे बनाना गुड़ वाले चावल, और मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँची है, जो कि मुझे टेंशन हो रही है मुझसे चीज़ सही नहीं बनी, लेकिन बनाऊंगी तो मैं भी ज़रूर परफेक्ट। अभी आए हुए मेहमान हमारी कज़न, तो अभी शरबत बना लिया है ठंडा ठंडा, इनको देते हैं और बच्चों का शोर देखें किस कदर हो रहा है। ये लो खाओ, कितने लोग हैं, दो दो चार बच्चे भी तो हैं। बच्चों को भूल नहीं आप, ट्रे उठाओ, मैं भी तो हूँ, तुम भी तो हो, चलो उठाओ। तो अभी कजन आई हुई है, उससे बनवाएंगे गुड़ वाले चावल। अब देखते हैं कि मैंने क्या गलती की है, मेरे दिल को बात लगी हुई है और मेरा बीपी लो हो रहा है। बनवाऊंगी तो मैं भी जरूर, और अच्छे खुद भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। देखें शोर देखें हैं, हाँ पियेंगे आदि। और यहाँ खाना खाने के बाद शायद भाई सही इतने थके हुए थे, और जैसे ही बैठे थे वहीं लेटे लेटे सो गए, और पाकिस्तान सुनते सुनते पता नहीं क्या मोबाइल में सुन रहे थे। रसगन ने बुलाया कि जल्दी आओ, देखो भाई सईद कैसे सो रहे हैं, और वाकई थकावट में बंदे को पता नहीं चलता कि बंदा कहाँ सो रहा है। एक्टिंग है भाई सईद, भाई सईद, भाई सईद, भाई सईद। वेलकम जी हमारे चैनल पे, और आज है संडे और छुट्टी थी जैसे, और आज मैंने दोबारा से संडे, कल भी बनाए थे और हफ्ते को, और आज संडे को दोबारा से मैंने थोड़े से बनाए हैं गुड़ वाले चावल अलग रेसिपी के साथ नेट से देख के। तो अब देखते हैं कि ये अच्छी बनी है या नहीं। तो मैंने, मेरे दिल को कल बहुत वो हुआ, उसकी वजह से मेरा बीपी लो हो गया था कि मुझसे कोई चीज़ सही क्यों नहीं बनी। तो ये दिमाग का भी एक थोड़ा सा होता है, तभी बस बन रही हैं, दम पे हैं, जैसे भी दम से खुलते हैं फिर आपको दिखाती हूँ इसका लुक, और फिर हम बराबर वाली पड़ोसी को बुलाएंगे और उसे चेक करवाएंगे कि कैसे बने हैं। वैसे मेरे नन ने कहा आज माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, मीठा भी परफेक्ट है और सही लग रहे हैं। खोलो जल्दी, आज बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, मज़े के। जी कैसे हैं आप सब, हुई है कि जी ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज है सोमवार का दिन और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी अजान भी हो चुकी है, तो अभी पढ़ेंगे नमाज। तो अभी नीचे है किसी का इंतकाल हुआ है, सिंधी थी, एक्टर थी, तो किसी सिंधी एक्टर का इंतकाल हुआ है औरत का, तो अभी बेचारी का एक्सीडेंट हुआ था, तो एक हफ्ता वेंटिलेटर पर ही है, उसके बाद कल रात उनकी डेथ हो गई। तो अभी उनको लेके हैं, अभी नमाज जनाजे सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मीडिया वाले आए हुए हैं और उनका सबका इंटरव्यू हो रहा है। तो अभी बस ये दिन भी आने हैं, सबके ऊपर आने हैं, और अफसोस भी हो रहा है कि अब क्या कह सकते हैं, लेकिन इस दिन से डर भी लगता है, लेकिन ये दिन आना तो है, लाजमी आना है, सबके आना है, और एक ना एक दिन ज़रूर आना है। हम अपनी दुनियावी दुनिया में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं, ये काम वो काम, ये कर लें वो कर लें, लेकिन अपनी आखिरत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। और जब किसी का देखते हैं फिर एकदम जहन में आ जाता है, लेकिन कि हमें जाना तो है ना, एक ना एक दिन अल्लाह ताला के पास ज़रूर जाना है, और बस अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, और उनकी मफरत के लिए दुआ कीजिएगा। कभी बस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो फुल देखिएगा, और आगे जो होगा इंशाल्लाह वो शेयर करते हैं। तो अभी नमाज भी जैसे वो लेके आई है ना, तो जी कुछ घबराहट घर में खेली थी, डर लग रहा था, तो मैंने अपने आप को बस इधर उधर दिमाग में लगा दिया, वरना थोड़ा डर लगता है। मैं सो रहा था और जैसे ही एम्बुलेंस आई है, और हारिस डर के एकदम उठ के चीखने लग गया कि क्या हो गया है, तो मैं इसको उठा के इधर ले आई हूँ, और बड़ा सोने वाला है और ये उठ गया है, तो सारा दिन बस इसे चलता रहता है। तभी इसको गुड़ वाले चावल थोड़े से बचे हुए थे वो खिलाई हूँ, ताकि इसका थोड़ा सा पेट भर जाए।